हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पवन चक्की यानी जिसको हम लोग विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं वो कैसे काम करता है। इसके डायग्राम को हम लोग 3D व्यू में देखेंगे। देखिए, ये इसके ब्लेड्स होते हैं और ये ब्लेड्स को इस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट किया जाता है एक शाफ्ट के थ्रू। अगर हम इसके इस खोल को रिमूव करते हैं तो आप लोगों को दिखेगा कि तीनों ब्लेड इस ट्रायंगुलर शेप में पंच किए हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको रिमूव करते हैं, अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसमें सिंपल एक मैकेनिज्म होता है, ये इसका जो रोटरी मोशन है इस मैकेनिकल एनर्जी को गियर के थ्रू इसकी स्पीड को तेज किया जाता है, क्योंकि ये स्पीड ही बहुत स्लो होता है, ये एयर से घूमता है, स्पीड स्लो होता है। इसको गियर के थ्रू इसका स्पीड को बढ़ाया जाता है और इससे मूव कराया जाता है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर। यानी ये जनरेटर में ये जब रोटेशनल मोशन जाता है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सिंपल पवन चक्की का एक यूज होता है, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता है। रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल एनर्जी, बाकी सब एनर्जी से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कोई भी डस्ट गैसेस, किसी भी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं होता है। बट इसका बस एक ही है, इसमें इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है। प्रारंभिक एक बार में आपको कास्ट लगाना पड़ेगा इसको पवन चक्की को, और ऐसे जगहों पर लगाना पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा एयर आता हो, यानी हवा तेज चलती हो, क्योंकि ये हवा के पे ही डिपेंड होता है। हवा इसके ब्लेड्स को घुमाएगा और इसके रोटेशन मोशन यानी इसके घुमादार मोशन को, इसकी स्पीड को तेज किया जाता है इस गियर के माध्यम से, और गियर से इस इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसके मूवमेंट से, ठीक है, इसके रोटेशन मोशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो उम्मीद है आपको पवन चक्की के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लर्निंग के नए अंदाज को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।